तीसरी सदी ही में गुजरे हैं। फरमाते हैं कि अजमाती हुकूमत मुसलमानों का इस मसले पर इजमा है, मुसलमानों का इस मसले पर सारी उम्मत का इत्तेफाक है, तमाम मुफस्सिरीन का कुरान करीम की जितनी तफसीरें जितने लोगों ने मिल की है सबका इत्तेफाक है, अला अन्न सिरात अल मुस्तकीम व तरीक अल वाज़ह ला इवजाज फी, फरमाते हैं कि इस बात पर इत्तेफाक है कि सिरात अल मुस्तकीम उस सीधे उस वाज़ह रास्ते को कहा जाता है जिसमें कोई तेरा नहीं होता, मुड़ता नहीं, सीधा जाता है। इसी तरह कुरान करीम की असली तफसीलों में से बेहतरीन तफसीलों में से हाफिज इब्ने कसीर की तफसील भी है, हाफिज इस्माइल इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह, ये आठवीं सदी हिजरी में गुजरे हैं। तफसीर इब्ने कसीर के नाम से इनकी तफसीर मशहूर है। ये हाफिज इब्ने तैमिया, हाफिज ज़ाहबी, हाफिज मिज़ी इनके शागिर्द थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी खूबियों से नवाजा था। वो इस आयत की तशरीह में तफसीर इब्ने कसीर में फरमाते हैं कि मुफस्सिरीन ने इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम वाली जो दुआ है, हम जो नमाज में ये दुआ पढ़ते हैं, सूरह फातिहा में पढ़ते हैं कि ए अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला। हर मुसलमान जब नमाज पढ़ता है तो नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ता है और सूरह फातिहा में ये आयत मौजूद है, इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम, ये अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। फरमाते हैं कि इसकी तशरीह में मुफस्सिरीन के अक़वाल मुख्तलिफ हैं, अल्फाज मुख्तलिफ हैं, मेरा सलफ ही मेरा सलफ, चाहे वो असलाम में से हो या अखलाक में से, आखिर इनके कसीर के जमाने के लोग हो या साहबा और ताबी हो, सिरात रास्ते के बारे में वो कहते हैं कि वही कल यह जो हासिल हुआ इला शहीद वाहिद, लेकिन उन सारी इबादात का, उन सारी तफसीरों का खुलासा और नतीजा एक है, सिर्फ एक, वो क्या हुआ मुताबिक लिल्लाह व लिर्रसूल, के सिराते मुस्तकीम इस बात को कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की जाए और उसके रसूल की इताअत की जाए। अल्लाह हमारा हाफी सारी कायनात का पैदा करने वाला है, ये कायनात खुद खुद पैदा नहीं हो गई और ना किसी रब के बगैर ये कायनात चल रही है, इस कायनात के का पैदा करने वाला रब एक मुदब्बिर है जो एक कानून एक निज़ाम के तहत पूरी कायनात को चला रहा है, और जब उसका फैसला आएगा जो वक़्त उसने मुकर्रर कर रखा है जब वो आएगा तो रब्बुल आलमीन ये सारी कायनात जो है उसको लपेट देगा, क्या बता जाएगी, सारी मखलूकात तबाह कर दी जाएगी, जमीन और आसमान और सारी कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने दाएं हाथ में लपेट लेगा और फिर रब्बुल आलमीन पुकारेगा लिमनिल मुल्कुल यौम ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून, किधर गए बड़े बड़े बादशाह जालिम जब्बार मुतकब्बिर, किधर चले गए आज बड़े बड़े फिरौन काम गए, आज किसकी बात चाहिए, कोई बात नहीं, ये रब्बुल आलमीन खुद फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल अहद, ये बातें बिल्कुल सच्ची बातें हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के जरिए इंसान तक पहुंचाई है, अपना कलाम नाज़िल फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आज से 1400 साल पहले रब्बुल आलमीन का कलाम कुरान लोगों के सामने बयान कर दिया, कोई चीज नहीं छुपाई, सब जाहिर कर दिया, अल्लाह की किताब और उसके रसूल,
अल्लाह ने रसूल भेजा और अल्लाह की किताब जो है उसका बुनियादी रुकन ईमान बिल्ला जो उसका तकाजा ये कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद का कायल हो और उसके साथ किसी को शरीक न हो। ये सियाक चाहिए। कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई मुकामात पर फरमाया है, मसलन कुरान में फरमाता है इन अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू, बेशक ये तो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या थे कि बेशक अल्लाह मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब, उसी की इबादत करो। ईसा अलैहि सलाम तो साहब की जुबान पर भी अल्लाह बोल सकते हैं ये बयान फरमाया। कुरान करीम में ईसा अलैहि सलाम तो साहब का तस्करा मौजूद है, वो लोगों को जो नसीहत करते थे उसमें ये कहते थे कि लोगो अल्लाह मेरा रब है तुम्हारा भी रब। बदनसीब है ये ईसाई जिन्होंने ईसा अलैहि सलाम अल्लाह को बाप और ईसा को बेटा बनाया, और बदनसीब है वो लोग जो अपने इदारों में ईसाइयों को पादरी को बुलाते हैं और पादरी उनके इदारों में आकर वो कहते हैं कि आसमानी बाप और बेटा और ये और बोल बोल से बात है। ये आप देख सकते हैं इंटरनेट पर सारी बातें को तो रब्बुल आलमीन फरमाता है फअबुदू हाजा सिरात मुस्तकीम, बस अल्लाह की इबादत करो ये सीधा। इसी तरह सूरह आल इमरान में फरमाया वमन यहतसिब बिल्लाह फकद हुदिया इला सिरात मुस्तकीम, जिस आदमी ने अल्लाह रब्बुल इज्जत यानी का रास्ता मजबूती से पकड़ लिया, अल्लाह के अहकाम को अल्लाह की किताब को अल्लाह के रास्ते को मजबूती से पकड़ लिया तो ये सिराते मुस्तकीम। इसी तरह रब्बुल आलमीन फरमाता है वाले अबूदी हाजा सिराते मुस्तकीम कि मेरी इबादत करो ये सीधा रास्ता। तो सीधा रास्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इताअत और रसूल के साथ, और अल्लाह की इताअत का ये तकाजा है कि इंसान अल्लाह की तौहीद का कायल हो, ये अकीदा रखे सच्चे दिल से और उसके साथ किसी चीज को भी जो है वो शरीक किसी किस्म के शिर्क के करीब भी न जाए। इस बारे में मैं एक हदीस आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। इमाम हाकिम ने एक किताब लिखी है अल-मुस्तदरक, अल-मुस्तदरक अल-सय्यद, इस किताब में हाकिम नेशापुरी ने सैयद अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु उनसे सिरात मुस्तकीम की तशरीह में नकल फरमाया। जाहिर है कि कुरान की तशरीह हदीस से लेके रसूल अल्लाह से लेके सहाबा से लेके ताबीन से लेके, याद रखिए कि कुरान सच्ची किताब है, उसमें कोई भी शक और शुबा नहीं, लेकिन इसका जो तर्जुमा और मफहूम है ये वही काबिल एतबार है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबा ताबीन तबा ताबीन मुहदिसीन से सामने। उनके बाद का कोई आदमी कोई गुमराह कोई बददीन कोई किस आदमी अपनी तरफ से कोई कुरान की तशरीह बयान करता है जो मुसलमानों के तरीके के खिलाफ है उसकी कोई ऐसी उसका कोई वजन नहीं, बल्कि वो गिरी गुमराही है। और जितने भी गुमराह फिरके इस उम्मत में पैदा हुए उन गुमराह फिरकों की गुमराही की असल वजह असल जो जड़ है वो यह है कि उन्होंने कुरान और हदीस को अपने असलाफ के साथ ही समझा, सहाबा और ताबीन के साथ ही समझा, अपनी अकल के साथ समझा। मौजूदा दौर में भी मुतरी की हदीस है कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस वक्त के काफिर बादशाह ने आग में फेंक दिया था। قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم
रब फरमाता है, रब ने हुक्म दिया, फरमाया ए आग ठंडी हो जा और सलामती हो जानी हो जाए तेरी बात होगी। अब इस दौर का जो मुख्य रहती से वो कहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में नहीं डाला गया था, हालांकि साहबा ताबीन तबा ताबीन मुदस्सिर सब ये सारी उम्मत ये तशरीह बयान करती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था, अल्लाह ताला ने आपका काम जनाब है, लेकिन रब्बुल आलमीन हर चीज पर कादिर है, अल्लाह को रोक दिया। इसी तरह कुरान करीम में मूसा अलैहि सलाम का वाकया मौजूद है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि अपनी लाठी को फेंक, मूसा अलैहि सलाम ने लाठी फेंकी, वो एक बहुत बड़ा अजदा बन गया। अब जदीद जो लोग हैं वो तरीके हदीसों कहते हैं कि ये कोई लाठी नहीं अजदा, तो इन लोगों की तशरीह मानी जाए या सहाबा या ताबीन तबा ताबीन जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना था या उन लोगों से सुना था जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना था, वो मानी जाए। तो गुमराही की असल क्या ये याद रखिए, मुझे एक वाक्य याद आ गया जो मैंने हाफिज गुलामुल्लाह मिर्ची वाले लोगों से सुना है। वो कहते हैं कि मैंने ये हाफिज अब्दुल्ला बाहरपुरी रहमतुल्लाह से सुना, सरल इसकी बजाय ना बिल्कुल सही है, बस आफे साहब फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे नसीहत की थी कि बेटे तू अगर से बड़ा अकलमंद है बड़ी बातें करता है लेकिन याद रख जो भी अगर तूने कोई रास्ता कोई तरीका अख्तियार किया कोई नजरिया अख्तियार किया कोई ऐसी बात की तो देखा था कि मैं ये जो बात करता हूँ जो कहता हूँ जो नजरिया मैं करता हूँ मेरे साथ असलाम में से साहबा ताबीन तबा ताबीन में से कोई है कि नहीं, मुहदिसीन में से कोई है कि नहीं, अगर नहीं तो समझ ले कि तू गुमराह है मुसलमानों के रास्ते से हट के दूसरे से बैठा है। और हमें साहब फरमाया करते थे कि मेरे वालिद की इस नसीहत ने मुझे बहुत काम किया। इसी की तशरीह में हाकिम जो है सिराते मुस्तकीम की तशरीह में सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल करते हैं, वो फरमाते हैं कि वह रसूल व साहिबान कि सिरात मुस्तकीम से मुराद क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दोनों साथी वो लेकिन कि दोनों कब्रें हैं मदीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, यानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला। ये इसमें दो बातें समझा दी अब्दुल्लाह बिन अब्बास से, एक तो ये कि कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता ये जन्नत वाला रास्ता ये सीधा, और दूसरा समझा दिया कि सलफ सालिह का फर्म जो है ना उसके उसे मतलब नजर ये रवायत अब आदिया से भी नकल की गई है, तफसीर इब्न अबी हातिम में दोनों सन्द सही है। अब जिन दो सहाबियों दो अजीम शान सहाबियों इस उम्मत में नबी के बाद सबसे अफजल इंसानों जिनका जिक्र किया अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कि इस रात में मैं उनके एक दो वाक्यात आपके सामने बयान करता हूँ सही सुन लो, लेकिन पहले सुन ले मैंने एक मजमू लिखा है जो मुझे छपा नहीं है जिसमें मैंने साबित किया है कि मुतवातिर सनदों के साथ ये साबित है, बहुत ही सही सुनतों के साथ ये साबित है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों के सामने ये ऐलान करते थे कि खैर हाज़िर उम्मत है बाद नबी या अबू बकर सुम्मा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, इस उम्मत में नबी के बाद सबसे बेहतरीन इंसान अबू बकर है फिर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। अलामा इस्लाम इब्न ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने किताब लिखी है अशिया और बैत, उस किताब में उन्होंने बहुत सी संगे शियों की किताबों से नकल की है कि शिया की किताबों में भी यह लिखा हुआ कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दोनों की तारीफें कर दी। तो आप देखिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब खलीफा बने जब लोगों ने उनकी बैत कर ली
जब वो सहाबा ने बहुत बड़ी शरीयत एक दो कुछ होकर शरीयत पे बैठा तो उसके बाद उन्होंने खुतबा दिया था और ये अजीम शान खुतबा इमाम मोहम्मद बिन साद बिन साद रहमतुल्लाह अलैह की किताब में ये इमाम मोहम्मद बिन साद बिन साद ये वो इमाम है जो इमाम मालिक के जमाने में थे और ये वो इमाम है जिन्होंने सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखा ये किताबी रुया के दास हदीस की जो पुरानी किताबें हैं उनमें से ये किताब है ये किताब सही बुखारी और सही मुस्लिम से पहले थी हम उत्तरी ने हदीस कहते हैं कि 450 साल बाद हदीस लिखी गई कितना झूठ सीरत के साथ में इमाम मोहम्मद के साथ सही सनद के साथ सैयद अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से बयान करते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दिया और बड़ा अजीब खुतबा था उसमें उन्होंने यह भी फरमाया था कि लोगों में जो अमीर आदमी है ना जिसके पास पैसे ज्यादा है दौलत ज्यादा है ताकत ज्यादा है मेरे नजदीक वो कमजोर होगा उसकी कोई सीट नहीं ये नहीं है कि कोई बड़ा जागीरदार है कोई बड़ा अमीर आदमी है तो आप उसके लिए कोई कानून नहीं वो जो करे मर्जी करे नहीं उसकी कोई ऐसी अच्छी होगी कमजोर होगा उस पर इस्लाम पर नाज थे और जो गरीब आदमी होगा मेरे नजदीक को बड़ी ताकत होगा उसकी इज्जत उसने उन्होंने यह भी फरमाया था खुतबे में कि अभी यहूदी मा अताकुल्लाह व रसूलहू मैं जब तक अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता रहूं तो लोगों में रिजा करता मुसलमानों का खलीफा मिंबर पर खड़े होकर सही सनदे बिल्कुल मिंबर पर खड़े होकर ऐलान करता है कि लोगों तुमने जो मेरी बात मानी है बादशाह की इताअत करनी है हुक्मरान की बात मानी उसकी इताअत करनी है तो तुमने ये इताअत को शुरू की जब तक मैं अल्लाह और रसूल की इताअत करता रहूं यानी जब तक मैं कुरान हदीस पर अमल करता रहूं तो मैं मेरी इताअत वैजा असैत अल्लाह व रसूलहू फला तअतबिअनी और अगर मैं अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करूं तो फिर मेरी कोई इताअत फिर कोई मेरी बात नहीं मानती इसमें ये सीरत इब्ने शाम में भी रवायत है सीरत इब्ने शाम असल में सीरत इब्ने साद का ही जो है इख्तसार सैयद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने कई बातें इसमें समझा दी एक तो ये समझा दिया कि सीधा रास्ता जो है वो वही है जो कुरान और हदीस वाला था एक ये मसला भी समझा दिया कि लोगों तकलीफ न करना आंखें बंद करके पीछे नहीं जाता किसी की आंखें खुली रखी जो है वो करना अगर एक वो जलील कदर इंसान सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला जो जलती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जिनको अल्लाह तबारक तआला ने मरने के बाद याद साथ बताया अगर उनकी भी बात रद्द हो सकती तो पता चला कि उम्मत में कोई भी तकलीफ वाला चक्कर नहीं है ये कोई विचार करने वाली बात नहीं है कि बस उसमें से एक मजहब की जो है तकलीफ जो है वो जरूरी है और आपके मन का दर्शन कुछ हो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को किए जो ये उनका जो फरमान मैंने सीरत इब्ने साद से सुनाया इसकी तारीफ में सही बुखारी में भी रवायत है सही तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला फरमाते थे ये उन्होंने फरमाया और सही बुखारी में 3093 नंबर से फरमाते लस्तु तारिकन शैअन कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यामुर इल्ला अमीन मैं ऐसी कोई चीज भी छोड़ने वाला नहीं हूं जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करते थे तो मैं भी अमल मैं ऐसा कोई अमल नहीं छोड़ने वाला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल हो मैं छोड़ ये आदे इसकी ही था ये आदे सुनत की था पहले इसकी आदे सुनत की था फाइनली अक्षा क्योंकि वो ये डर है इन तलब तो शैयन में नमरी कि अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म
हुक्म में से कोई हुक्म छोड़ दूंगा, आपका जो हुक्म है उसमें से कोई हुक्म छोड़ दूंगा, अब नजी रात में गुमराह मैं से आते उस हकीम से भटक जाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कि अल्लाह के रसूल ने जमीन पर तकी दी थी असल जिलजात की बात है, फरमाया ये सिरात है उसका और दोनों तरफ तकी रखी थी, फरमाया ये रास्ते हैं शैतान के रास्ते, जो भी सीधे रास्ते से उतर गया ना तो फिर वो दूर होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, फिर जितना आगे चलेगा उतना दूर। और ये सिर्फ सही ना होता सदीक का मसला नहीं है, यही बात है सही ना होगा रजी अल्लाह साहब सही ना ही रजी अल्लाह सही बुखारी में 1563 नंबर हदीस है सही बुखारी में कि सैयदना अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया मा कुंत ले अदा सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले बोला कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को किसी के कहने पर हर के देखो। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे जो साथी जो अब्दुल्लाह की नमाज का कौल है सैयद उमर रजी अल्लाह तआला उनकी एक हदीस भी सुन ले, सुनी होगी आप लोगों के लिए सही बुखारी और सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है। उमर रजी अल्लाह तआला हज करते हैं, हाजी जब हज करते हैं तो खाना काबा का तवाफ करते हैं, खाना काबा का तवाफ के दौरान रुकने यमाने की तरफ एक पत्थर लगा हुआ है उसे हजरे असद कहते हैं, काला पत्थर हजरे असद, हदीस में आता है कि ये सफेद पत्थर था इसे जन्नत से उतारा गया था और इंसानों के जो तो लोग बोसे लेते हैं या हाथ लगाते हैं तो उनकी वजह से ही काला होता है, हदीस में ये भी आता है क्यामत के दिन ये गवाही देगा। तो इस पत्थर को हजरे असद को बोसा दिया गया, बोसा देते हुए उन्होंने फरमाया इन्नी आलम अन्नक हजर ला तसुल्लु वला तन्फा, कि सुनाया आपके साथ हो कि मैं जानता हूं तू पत्थर है न नफा दे सकता है नुकसान दे सकता है, वलौला रायु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिलुका मा कब्बल, अगर मैं न देखता ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बोसा देते थे तो मैं तेरा बोसा तौहीद भी समझा दी कि मुसलमान वो है जो अल्लाह की तौहीद का कायल होता है। ठीक है इस पत्थर को हम बोलता रहते हैं इसका इस पर वो हाथ लगाते हैं या इशारा करते हैं तो इसलिए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया, वरना ये नफी और नुसान का मालिक है। मुस्तदरकुल हाकिम में कहीं से एक रवायत है मुस्तदरक में के और ये कार्बन पेन जिल्द में है सफा 50 का अबू हारून अल अब्दी ने बयान किया कि अबू सईद खुदरी कहते हैं कि अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया था सईद उमर को कि नहीं ये तो कभी दे सकता है साहब भी दे सकता है, ये रवायत आजकल बरेली पेश करते एशिया पेश करते, इसका जो रावी अबू हारून है अबू हारून उसके बारे में मुस्तदरक की तहकीक में अबू साहब ने लिखा है अबू हारून साकित, ये बिल्कुल मतरूक रावी है गिरा हुआ रावी है, ये ऐसा इंसान है कि किस चीज की बात की कोई ऐसा झूठा सा। इमाम यशा बिन मनी रहमतुल्लाह अलैह जो हदीस के बड़े इमाम में से जो इमाम बुखारी के भी उस्ताद है वो अपनी तारीख में फरमाते हैं कि ये गैर सिका यक से को ये सिका नहीं था काबिल बात नहीं था झूठ बोलता था ये रावी। इसी तरह हम बाप इनसे इतने भी दूसरे मौलवी साहब ने बिस्मत जरा किए तो झूठी रवायत है, ये झूठी रवायत में भी ये नहीं कहा कि उम्र और नुकसान खुद दे दे सकता है, इसमें भी ये लिखा कि क्या के दिन हुआ ही नहीं तो कोई वाली बात तो ठीक है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जुबान दे देगा, अल्लाह तबारक व तआला के इंसान के हाथों से भी गवाही दे देगा, पाँव से भी पाँव भी गवाही देंगे हाथ भी गवाही देगी जुबान भी गवाही देगी मुंह बंद कर दिया जाएगा जिसम गवाही देगा, चोरी की थी हाथ गवाही देगी हाथ से चोरी। इसी तरह तौहीद का एक मसला जो इमाम नसाई ने अपनी किताब सुनन कुबरा में और अमर उल्यौम व लैला में बयान किया, इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी मुस्नद में, इमाम बुखारी के अलावा बयान किया,
सुने सिरात मुस्तकीम की पहचान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह जो है सिरात मुस्तकीम वाज़ह कर दिया। हदीस में आया है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ कलाम किया, बातें कोई काम था, तो फिर उस आदमी ने कहा माशा अल्लाह व शेख, असल जाती हुआ है कि जो अल्लाह चाहे जो आप चाहे, हमारे इलाके में लोग कहते हैं जो अल्लाह चाहे जो अल्लाह का रसूल चाहे, पता नहीं हमें दोस्त बोलते तो उसने भी कह दिया था माशा अल्लाह व शेख, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानी मिल्ला इतना तूने तो मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया, तूने तो मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया। कुल माशा अल्लाह वहदहू, कह के सिर्फ एक अल्लाह को चाहे, एक अल्लाह जो चाहे वही होगा, अगर अल्लाह न चाहे तो कायनात में कुछ नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुल फरमा दे तो अल्लाह की तौहीद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, इस दो चीजों को मजबूती से पकड़ना, ये वो सीधा रास्ता है, ये वो सिरात मुस्तकीम है जिस पर चलने वाले लोग दुनिया में भी कामयाब होंगे और मरने के बाद जो हमेशा की जिंदगी आ रही है, जो कब्र वाली जिंदगी आ रही है और क़यामत के दिन जो हशर वाली जिंदगी आ रही है, इस सारी जिंदगी में वो कामयाब रहेंगे जो किताब और सुन्नत वाले रास्ते पर चलेंगे। एक हदीस में आया है, एक मसला है, हाजी जब हज करने के लिए जाते हैं अरफात के मैदान में जाते हैं, अरफात के मैदान में अल्लाह के आगे दुआएं करते रहते हैं, अल्लाह से इजारे करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ज़ोहर असर की नमाज़ जमा करते हैं, फिर अरफात से वापस आते हैं मुज़दलिफा, रात मुज़दलिफा में गुजारते हैं वादी में, अगले दिन मिना को जाते हैं, जाकर वहां पर जो जमरात है, तीन जमरात, बल्कि वो मेरी एक ताकीद में वो बात असर है जिसमें शैतान भी गाते हैं, तो शैतानों को जो है वो जाके कंकरियां मारने के बाद सर बुला लेते हैं, कुर्बानी कर लेते हैं, फिर आराम को जाते हैं, आराम को जाता है हाजी का। अब क्या इस हाजी के लिए अतर का इस्तेमाल जायज है, खुशबू लगानी जायज है कि नहीं? सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, अबी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहराम खोलने के बाद खुशबू लगाई थी, अभी आपने तवाफ नहीं किया था, तवाफ ज़ियारत नहीं किया था, वो जो मीना से जाते हैं ना तवाफ करने के लिए खाने काबे का, जिसे तवाफ लिफाजा भी कहते हैं, तवाफ ज़ियारत भी कहते हैं, वो नहीं किया था, उससे पहले ये हदीस सही बुखारी थी। अब देखें अमीरुल मोमिनीन सैयद उमर रजी अल्लाह तआला को खुतबा देते थे, लोगों को कहते थे कि जो आदमी कंकरियां बांध ले जमरात को, सर अपना मुंडा ले, कुर्बानी कर ले, तो अब वो हलाल हो गया, हम खोले उसके लिए अब सारी चीजें जो हज में हराम थी अब हलाल हो गई, लेकिन वो अपनी बीवी के पास नहीं जा सकता, जमा नहीं कर सकता, ये बात भी सही है क्योंकि वो सर नहीं कर सकता और वो खुशबू भी नहीं लगा सकता। अब जो खुशबू नहीं लगा सकता, सैयद उमर रजी अल्लाह तआला की ये बात जो थी हदीस के खिलाफ, उन्हें हदीस नहीं मालूम। अब उनका बेटा सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला ने वो क्या कहा, ये बात इमाम शाफी या मुसनद शाफी में, इमाम वदी ने मुसनद हुमैदी में क्या, और मुसनद हुमैदी अल्लाह के फजल से अभी मुक्तबा इस्लामिया से छपने वाली, यहाँ मोहतरम मोहम्मद सरवर आसिफ साहब उन्होंने मुक्तबा इस्लामिया कायम किया जिसमें अल्लाह के फजल से किताब और सुन्नत की दावत कुरान और हदीस को दुनिया में जो है फैला दी, मसलक के हक मसलक के अहले सुन्नत अहले हदीस इसको जो है इसका झंडा दुनिया में जो है उन्होंने सम्मान कर दिया और बड़ी किताबें जो है उन्होंने शायद कर दी उन्होंने थोड़े अच्छे और अल्लाह से दुआ कर लिया इस इधार में और ज्यादा तरक्की जो है उन्होंने मेरे लिए बहुत ही काफी किताबें जो है वो जो है वो शायद किए और मुसन मेरी इसकी मेरे ताकी की है तर्जमा भी किया है, अब वो इंशाल्लाह मुक्तबा जाहिया का जब उसका वो पाकिस्तान में बल्कि मेरे लिए किताब उर्दू जुबान में फिर दबा हुआ आएगा इंशाल्लाह, उसकी कंपोजिंग वगैरह हो चुकी है, अब मेरे से उसकी प्रूफ पढ़ लें। तो
तो इनमें भी मौजूद है। साली ने क्या कहा था? साली ने ये कहा था कि मेरे दादा ये कहते थे कि खुशबू नहीं लगा सकती। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये फरमाती थी कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू लगाई थी। وسنت رسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان تتبع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زیادہ اس کے مطابق پر ہے۔ اپنے دادا کی بات چھوڑ دی، اپنے بڑوں کی بات چھوڑ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ترجیح دی، یہ ہے سنت مصطفی، یہ ہے وہ راستہ جو سیدھا جنت کی طرف جانے والا ہے۔ باقی بہت سے راستے ہیں وہ لوگوں کو اور بڑی بڑی چالیں ہوں، ان ساری چالوں کا نتیجہ یہ ہوگا، حدیث پر حملہ ہوگا، صحیح بخاری پر حملہ ہوگا، صحیح مسلم پر حملہ ہوگا۔ قرآن اور حدیث کا جو مفہوم ہے وہ مفہوم اپنی طرف سے نکال جائے، قرآن کی آیتیں پڑھیں گے اور مانا اپنی طرف سے غلط کریں گے۔ اور جس طرح وہ غلطی پر یہ سمجھ قرآن کریم پہ آئے نا، یونس علیہ السلام جب انہیں پھینکا گیا کشتی سے پانی میں، پھینکتے آپ نے سنا ہوگا یونس علیہ السلام کشتی والے کا وزن نو عزا فواز اور مچھلی والے کا ذکر کرو تو انہیں کشتی سے پانی میں پھینک دیا گیا۔ پانی میں جب گئے تو ایک بڑی مچھلی جو ہے اس نے ان کو نوالا بنا نکل گیا۔ فل تک فل تک مضبوط ایک بڑی مچھلی نے یونس علیہ السلام اپنے منہ میں ڈال دیا، یونس علیہ السلام کے پیٹ میں چلے گئے۔ فنادا فی الظلمات اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے آنکھ سے آگے روتے ہیں زاری، خیر اللہ نے ان کی دعا قبول کی، مچھلی نے باہر نکل۔ اب منکرین حدیث کیا کہتے ہیں؟ اس آیت کی تفسیر قرآن کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ مسبحین میں سے نہ ہوتے، اگر وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہنے والے نہ ہوتے، لرب سبھی مت نہیں الہ یوم الدین، تو کیا وقت تک اس مچھلی کی پیل اللہ رب نے اس مچھلی کو کیا وقت تک زندہ رکھتا۔ وہ کہتے ہیں کہ مسبحین کا معنی لوگوں کی کامت ہو رہے ہیں، مسبحین کا معنی جو ہے وہ پانی میں تیرنا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یونس علیہ السلام آگے آگے تیر رہے تھے، پیچھے پیچھے مچھلی آ رہی، وہ آگے آگے تیر رہے ہیں پیچھے پیچھے، کوئی مچھلی نے کھایا نہیں ہے، اور بعد میں پہنچے گلا رہے۔ فل تکبر الحوت فنادا فی الظلمات کی طرف چلا گیا۔ تو ان لوگوں کی گمراہی کی اصل بنیاد یہ ہے کہ یہ قرآن کو حدیث کے ساتھ سمجھتے، قرآن اور حدیث کو صحابہ کے ساتھ تابعین کو حدیثین کے ساتھ سمجھتے۔ اس وجہ سے جو بھی دیکھ لیں کوئی بڑے سے بڑا کوئی گمراہ ہو کر کنٹینر میں اپنے آپ کو بھی لے جائے، لیکن کیا وہ دیکھیں گے جب وہ قرآن کی آیت پڑھے گا کوئی مسئلہ اپنے آپ کو کوئی پیش کرے گا اس کے اوپر اصلاح ہو جائے گا۔ مثلا آیت پڑھے گا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اور اسے میلاد النبی صاحب نے نہ صحابہ نے کیا یہ مسئلہ، نہ تابعین نے ثابت کیا، نہ تبع تابعین نے، نہ محدثین نے، ان کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چل۔ رب العالمین فرماتے ہیں بھائیو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سکھاتا ہے بندے کو کہ اللہ مجھے سیدھا سے بتلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر اے اللہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، فضل و کرم کیا۔ کون تھے؟ نبی تھے، صدیق تھے، شہداء صالحین، سب صالحین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم ضالین یہود نصارا، یہاں کے پیروکار جو ہے اللہ کے راستے پر۔ اور قرآن کریم میں دوسری مقام پر فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اپنی رسول کی نافرمانی کرے گا مخالفت کرے گا اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے گا، نولی ما تولا، جدھر وہ چلے گا فرماتا ہے رب ہم اس کو اسی راستے پر چلائیں گے، اور اس لیے جہنم، اور جہنم میں اسے داخل کریں گے۔ بس آپ مسیرہ وہ بہت برا تھا۔ تو بھائیوں میں نے آپ کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ صراط مستقیم جو ہے یہ قرآن اور حدیث والا راستہ ہے، یہ صحابہ اور تابعین والا راستہ ہے، یہ محدثین والا راستہ ہے۔ اس راستے پر جو شخص چلے گا توحید اور سنت کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا، اللہ رب العزت جو ہے اسے انشاءاللہ جا
जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी कोताहियां हमारे गुनाह माफ करवाए और हमें सिराते मुस्तकीम पर साबित कर दे सलफ सालिहीन के फाकिर और तुम्हें किताब और सुन्नत पर जो है वो अमल करने वाला बनाए। वाकुल को रिहा और अस्तगफिरुल्लाह ली व तुसालिहु मिन आमीन। अब अगर आप अपने कुछ सवाल सवाल आते वो भेज दें ताकि प्रोग्राम का वक्त वो लेकर भेज दें मशहूर किताबें जो हदीस की है ना बड़ी बड़ी वो कुतुब सित्ता है सही बुखारी सही मुस्लिम सुन्न अबी दाऊद सुन्न तिर्मिज़ी सुन्न नसाई सुन्न इब्ने माजा फिर मुसनद इमाम शाफी किताब उलूम या मुसनद शाफी मौता इमाम मालिक और इसी तरह सैयद इब्न खुज़ैमा सैयद इब्न हिब्बान मुसनद इब्न शेबा असरुल कुबरा बैहक़ी सुन्न दारुक़ुत्नी मुस्तदरक अल हाकिम ये जो किताबें हैं ये 15-20 जो किताबें मशहूर हैं तकरीबन इलम का जो बड़ा ज़खीरा है इन्हीं किताबों 15-20-30-50 कर ले इसके अंदर वरना छोटी बड़ी किताबों की तादाद तो हदीस के हज़ारों में और ये सारी किताबें लिखती हैं उनमें जो हदीसें हैं उनकी सतह मिलती है यानी जिधर से भी आप निकालेंगे ना कहेगा हजूरा गुलाम तो आगे से मिल जाती है। एक एक हदीस 15-15-20-20 किताबों 50-50 किताबों में मौजूद है। इसलिए अगर कोई हदीस में गड़बड़ की कशिश कोशिश करता तो पकड़ा जाता है। जिस तरह मुसनद इब्न शेबा में कुछ लोगों ने गड़बड़ की ना तो तख्त सुलह के अल्फाज लग गए तो वही हदीस सुनन दारुक़ुत्नी में मौजूद है मुसलमान में मौजूद है उधर तो नहीं इजाफा कर सकते थे। इताअत रसूल असल में अल्लाह ताला की ही इताअत है यानी इताअत अल्लाह और इताअत रसूल असल में अल्लाह की इताअत है। मजाक हमारे में अब बात तो यही है कि रसूल की इताअत असल में अल्लाह की इताअत है। मां क्या है कि वही होते रसूल का इताअत है मतलब क्या है कि रसूल जो कहता है उसकी दो आदमी हो या तो साफ तौर पर वो रसूल जो बात करेगा वो कुरान की आयत होगी या वही खफी हो हदीस की सूरत ये तो हम पर सवाल करना फर्ज है। इसके अलावा जो दूसरी हालत है वो रसूल का इश्तिहार रसूल ने जो इश्तिहार किया अल्लाह तबारक व तआला ने उसके खिलाफ वही नाजिल नहीं की तो वो नहीं हो जाता। तो ये दोनों अल्लाह की तरफ से ही है ये नबी की हदीस नबी का इख्तियार जिसको अल्लाह ने कर रखा है तो ये दोनों असल में अल्लाह के इख्तियार है। इसलिए हम ये कहते हैं कि रसूल का इख्तियार करने वाला असल में अल्लाह के इख्तियार करने वाला है। रसूलों में से एक रसूल का इख्तियार करने वाला हर रसूल का इख्तियार करता है। इसी तरह नबी करीम की हदीस सही हो आदमी तस्लीम भी करने के लिए सही है फिर इख्तियार करे तो वो असल में अल्लाह का इख्तियार करता है। औसा देने की वजह से अजनसो से हुआ लोगों के गुनाह को वजह से हदीस में आता है सब अदब को खाता है बने लोग तो उसको बोलते रहते थे ना तो लोगों के जो गुनाह थे ना उसकी वजह से खा रहा है तो जो यानी जो लोग गुनाहगार थे वो जाके इसका बोलते रहते थे तो गर्म बदलता गया बदलता गया ये मतलब ये सुनने आता हूँ साहब ज्यादा ही जानता है तो उसका ये लिखाई गई कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से तक ये साबित है इमाम तिर्मिज़ी से हसन दिला भाई मसला ये है उसूल हदीस का। उसूल हदीस का मसला ये है कि मुदल्लिस की आन वाली रवायत बुखारी मुस्लिम के अलावा दूसरी किताबों में सही ये मसला अल्लामा नवी की तकरीब में मौजूद है तकरीब और आलम भी देख सकते हैं और भी बहुत सी किताबों में मौजूद है मुकदमा इब्न सलाम भी हदीस का मसला मौजूद है इख्तिसार और हदीस में भी बल्कि एक किताब है जिसे इमाम शाफी ने लिखा है किताब और रिसाला जो है इमाम शाफी की किताब है उसमें लिखा हुआ है कि मुदल्लिस की आन वाली रवायत मुजद है। तो ये जो हदीस है इसमें सुफियान सूरी है और सुफियान सूरी का मुदल्लिस होना साबित है सुफियान सूरी के शागिर्द जो है वो कहते थे सुफियान सूरी मुदल्लिस है तो ये रवायत हक से है तो ये हदीस सही हुई इमाम तिर्मिज़ी का उसे हसन करार देना गलत है।
उसूल हदीस के खिलाफ किसी भी की बात में हो तो अलग लिए इस हदीस को जहूर को तसीने से इकरार इमाम तिर्मिजी के मुकाबले में इमाम बुखारी इमाम बाजी और दूसरे बड़े बड़े इमाम इस हदीस को सही कहते हैं। इस बारे में मेरी किताब नूर ने मकतबा इस्लामी से छपी हुई बड़ी वो अजीब किताब है, अब जो आखिरी एडिशन है जिसमें आप कोई चेंज नहीं होगा, ये आखिरी एडिशन है। तो इस तफसीर के साथ आप देख सकते हैं कि ये रवायतें सही सही नहीं है, इसलिए उन लोगों का इतराज रखो। मुनकरीन हदीस के खिलाफ करते हैं वार कासिम अल्हम्दुलिल्लाह जो ये वाला था और हदीस में आया कि बनी साहब के 72 फिरके हुए मेरी बनी 73 फिरके होंगे, और क्या ये फिरके 72 और 73 ही होंगे, ये अलग अलग के जमात की पहचान ही बता दी, क्या इससे मुराद आई इसे भाई स्वाद में नहीं आया। मुनकरीन हदीस के अलावा करते हैं वार कासिम अल्हम्दुलिल्लाह जबिया वला तफ़ल्लुल फिकर को मानते हैं अल्लाह की ऐसी से मुराद कुरान है, वार कासिम अल्हम्दुलिल्लाह हदीस से मुराद मुफसरीन ने लिया कुरान, ये अल्लाह की रसी है कुरान की किताब रसूल की किताब है कुरान हदीस को मंसूख से पकड़ना ये अल्लाह की। अब तहतर करते होंगे ये हदीस नहीं है, वो जो मेरी ताकीद से मिश्कात छपी है ना अखबार मसाबी मुतबा इस्लामी से उसमें मौजूद इसकी मैं चार समझे आया तो ये रवायत सही है, बल्कि बाद में इसको मुबादला भी कर दिया। तो 72 जल्दी होंगे ये जल्दी होगा, तो ये जल्दी कौन होगा इसके बारे में मुहदसिन ने बता दिया कि ये अल हदीस है अल हदीस है अल हदीस से मुराद हर वो आदमी है जो कुरान हदीस पर अमल करता है सलफ सालिहीन के फाम के इजमा को जो समझता है और तकलीद नहीं करता, यानी तकलीद का कायल नहीं सलफ का फाम जो है उसमें रखता है किताब से अमल करता है हर वो शख्स का हदीस से। इस बारे में अगर आप तफसील देना चाहें तो मैं तो किसी ने कहा देखो नबी सल को मुकाबले लिखा या मोहम्मद तो उसका फाम ठीक हो, इधर भी वही मसला है। इसमें दो मुदरसा भी है मुस्तक तो एक था इसमें दो है इसकी सनद मुझे याद है मैं इतफा आया था यहाँ पर फैसलाबाद में मौलाना इरशाद अल कसरी हफ़िज़हुल्लाह उनकी जो लाइब्रेरी है तो वो दो तीन जो है तीन लड़के थे लश्कर के साथी थे वो आए थे ये हदीस लेके उन्होंने उधर तस्वीर साहब को देखे उधर एक आलम से कहा तो मेरे पास गए तो मैंने कहा कि इसमें सुफियान सोरी आन कभी साथ आन जो है अब्दुल रहमान के साथ आन अब्दुल जो है सुफियान सोरी भी मुदरे से और अबू इसहाक अब और अब्दुल्ला सभी मुदरे से और आम से रवायत है ये उसूल अली से मजबूत रवायत है। अब वो मेरे निकाल के अपने साथ मेरा व्यू बड़े खुश हुए तो ये सही रवायत है ये सही नहीं है ये दो मुदरे साहब ही और आम से रवायत है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इजमा या सहाबा का किसी हदीस पर अमल हो तो वो तो हुज्जत है एक हदीस पर दूसरी हदीस होगी, अगर ये सवाल कर जाते हैं कुरान हदीस हुज्जत है और कुरान हदीस से इजमा का हुज्जत होना भी साबित है, इजमा हदीस के खिलाफ भी होता वो झूठ ही होगा जो कहता है कि इजमा है झूठ बोलता होगा वो शख्स जो हदीस के खिलाफ इजमा का दावा करता होगा। कोई मसला कुरान हदीस के वाजे तौर पर नहीं है कि इजमा होगा मुसलमानों का तो वो भी हुज्जत है, लेकिन इजमा साबित उस बारे में हमारे ये सारा भी करता है अल हदीस हजरों के नाम से वो भी मुतबा इस्लामी से इशारा होता है उसमें 91 नंबर में मैंने इजमा के बारे में तफसीली जो है वो एक मजमू लिखा है वो आप पढ़ सकते। बारिश के वक्त दो नमाजों को जमा करना किस सही हदीस से साबित है, एक तो इशारा पर साबित है हदीस में आता है कि जमा मिन गैर खौफ वला मतर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में दो नमाजें इकट्ठी जाके पढ़ी थी ना तो कोई खौफ था ना बारिश थी, मिन गैर खौफ वला सफर ना कोई खौफ का सफर था, ऐसे साबित हुआ कि खौफ में भी जमा जेज सफर में भी जेज मतर में भी जेज, एक तो ये दूसरा ये इस बारे में सही हदीस मौजूद है अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से वो दो नमाजे इकट्ठी करके पढ़े थे मुतर वाले पर लिखा हुआ सर भी सही है। इस बार में मेरा एक मजमून अल हदीस हजरत में 53 या 54 नंबर में वो छपा हुआ है, इसके अलावा वो आला भी मेरे छपे हुए मुतबा इस्लामिया से उनमें भी मजमून है। सहबंदी में सुकून आ जाए तो नमाज हो जाएगी और ये इंशाल्लाह सुकून तो जाहिर के उसमें भी है
मक्के में भी है, मस्जिद नबी में भी है, और सहाबा इकराम की वो हदीस आती है मस्जिद नबी में कि वो कहते थे जब नमाज यानी उससे पहले सुकूनों की तरफ जाते थे और दो रकातें पढ़ते थे मगरब के वक्त सुकूनों के पास जाते थे, सुकून इंशाल्लाह हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं सही रवायत में मगर यह है नमाज हो जाएगी। ये सवाल लिखा है कि इमाम सुफयान थोड़ी सही बुखारी के रावी मेरे सोचा से सही थे कि सुफयान थोड़ी गुजरे से तो बुखारी की हदीस का क्या जवाब देते। बिल्कुल सही बुखारी के हदीसों को मैं जवाब दे चुका हूँ कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में जितने मुदले सहाबी हैं उनकी आने वाली रवायतें सारी सही हैं, इसलिए कि वो अपने उस्तादों से सुनी है, ये बात उसूल हदीस में लिखी हुई है, ये अलामा नबी ने लिखी है, ये तो सरफराज खान सफदर साहब जो बंदी जो है उसकी जो खजाइन सुनन है उसके शुरू में लिखी। और हम ये चैलेंज करते हैं कि भाई सही बुखारी और सही मुस्लिम में से कोई रवायतें जरा बताओ तो सही सुफयान थौरी की आने वाली में हम इंशाल्लाह सवा की तस्दीक साबित कर देंगे या मुताबे साबित कर देंगे। इस पर उन्होंने किताब भी लिखी, एक आलिम ने लिखी है किताब अहदीस और मुतलसीन की सही बुखारी, डॉक्टर अहमद खलफ अहदीस और मुतलसीन की सही मुस्लिम, ये आवाम का समझ देगा स्वागी तबीयों का, तो वो किताब भी मौजूद है और अल्लाह के फजल से वो रवायतें सभा पर मकबूल है मुताबिक की है। वो एक आदमी ने उसके इतराज किया था बुखारी से 10 बातें पेश की थी इस्माइल चलवी ने, वो 10 की 10 बातें मैंने समझ जाने के लिए समाज ला होता हो। जैसा कि आपने मुसाफिर होने की सूरत में दो रकात अदा की, क्या मुख्तार ये दूसरे शहर से आए वो भी दो रकात अदा करेंगे या चार रकात करेंगे, जवाब देंगे अगर दूसरे शहर जो है वो दूर है जिससे वो मुसाफिर मान सकते हैं तो फिर तो वो कसर करेंगे। अच्छा जी लाके मतलब गरीब पक्की पंजाबी तो मुझे याद नहीं है सर, किसी आदमी मुझे मेरे दोस्त है ना महमूद हुसैन जारी उसे मुझे पंजाबी के अंदर बताया, कहा कि मुकद्दर का तर्जुमे में पंजाबी बताऊं, उन्हें कहा पंजाबी कहते हैं लाई लाख ये हमारे इलाके में रहता है। किसी आदमी ने मतलब कि नमाज यानी नमाज अभी पढ़नी हो अभी बच्चे पढ़ता है शाह की नमाज शुरू अब अभी क्या करें बोल पढ़े या इशा, ये आदमी इत्तेहाद करेगा इस बारे में वादे नहीं मौजूद ही इत्तेहाद करें मुदल्लिस और तदलीस की वजह करें। वैसे सवाल का जवाब सर ने दिया, हमारा इत्तेहाद यह है कि मुमकिन इशा पढ़ने के बाद मगर पढ़ कुछ नहीं होगा कोई भी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये सारी मुदल्लिस और तदलीस की वजह करें। मुदल्लिस उस रावी को कहते हैं जो अपने उस्ताद से ऐसी हदीस बयान करता है जो उसने अपने उस्ताद से सुनी नहीं होती लेकिन ये नहीं कहता कि मैंने सुनी अल्फाज से इस्तेमाल करता कि मेरे उस्ताद ने कहा फला ने कहा। जैसा हमारे नबी ने एक आदमी ने कहा ना मुदल्लिस होता तो मुदल्लिस से मार गया, एक आदमी जो है ना वो मकान पर चढ़ गया और अपने भतीजे को गाली देने लगा, पड़ी वो भतीजा आ गया उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ चाचा को काका कहते हैं काका यानी बाप का बड़ा भाई काका जी आप यहाँ बच्चे को कहते हैं हमारे यहाँ बड़े को कहते काका कुछ तो कहना और इनको भी तो उन्होंने कहा काका जी क्या बात है, तो वो काका जी जो है वो बड़ी मुश्किल से नीचे आए उसने कहा कि तूने मुझे गाली दी है हजरों की मंडी में जाकर, उन्होंने कहा मैंने तो कोई गाली उन्होंने कहा वो हैदर कहता है खैर वो उसको लेकर वो चले गए उस आदमी के पास जिसने ये बात की उसे जाकर पूछा उसने कहा कितने मेरे अपने चाचा को गाली दी, उसने कहा कि मैंने सुना है पर मंडी में लोग कह रहे थे तो मैंने बयान कर दिया और तुम क्या बाकी कर रहे हो तो मुदल्लिस ये रहा कि वो सुनी सुनाई बयान कर रहे अल्लाह की फजल से मुदल्लिसीन जो है ना ये थोड़े से 300-400 आदमी हजारों जो रावी है वो मुदल्लिस नहीं थी थोड़े से 300-400 आदमी जो मुदल्लिस थी। तो इस बारे में मेरी ये किताब कल भी मैं छपी हुई मुकम इस्लामिया से और अभी दोबारा छपी हुई इंशाल्लाह बस यही भाव समझ लें। वैसे आजकल जितने लोग आप मिल के सारे मुदल्लिस सारे बताओ किस तरह आप कोई आदमी फसल सुनता है कि बेनजीम मारी गई थी उधर हमला हुआ बेनजीम मारी गई
रेडियो सुनता है या अखबार पढ़ता है, तो वो जाके पास जो मिलता कहता है नसीब वाली है, वो नहीं कहता कि मेरे वक्त भी पड़ा है, सर भी याद करता हूँ। अल्लाह तआला ने मुजस्सिम की कब्रों को नूर से भरते हुए उन्होंने इतनी ताकी की। हजरत आयशा या उम्मातुल मोमिनीन में से किसी ये रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जुब्बा को पानी में भिगो करता था और पानी मरीजों को पिलाते उसे शफा हासिल करते थे, क्या ये रवायत सनद सही अगर है तो इस्तदलाल करें। हाँ, उम्मे सलमा से ये साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता उनके पास था, उसे वो पानी मिल गया, कुछ बाल भी थे तो बालों को पानी में भिगो करके उनको पिलाती थी। ये बात है उलमा के नजदीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसाइस में खसूसियात है। अल्लाह के रसूल को अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई थे इंसान, लेकिन अल्लाह ने इसका जिस्म दिया था ऐसा पाक कि आपका पसीना भी पाक था, पसीने की खुशबू आ गई और सही की साबित है कि साबिया ने उनके सुनहर ने पसीना भी जमा कर दिया था अतः मिला था। तो सहाबा इकराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरकात जो है ये भी आपके खुद का पानी जब इसे सुबह मलाई और भी साबित है, लेकिन आपके पास किसी साबी या तबी या तबा तबी के साथ ये काम बिल्कुल नहीं हुआ, इसलिए ये रसूल सल्लम के खसाइस में से। अब कोई नहीं कि आपको पीर या गोली या कोई बड़ा आदमी शब्द नाम बात के वो गए कि मेरा कुर्ता जो है आप कोई भी नहीं तेरा। बाद लोग कहते हैं पीला कुर्ता ना पाक के और खुश पाक, भाई कुत्ते को नबी करीम सल्लम ने जो है वो नजस करा दिया, कुत्ते की कीमत तो नहीं, इसलिए कुत्ता ना पाक पाक नहीं ना पाक के करीब। कसर नमाज के लिए फासला की हाथ क्या है, इस बारे में दो अखबार हैं, एक ये कि 9 मील सही मुस्लिम की हदीस है, 9 मील जो है ना अगर 9 मील आजकल 20 किलोमीटर बन गए, पिछले साल मेरे सरगोधा में सुनने में दो पढ़ाई है तो मुझे एक और हदीस मिली जिसमें 3 मील से साबित है कसर है। ये किताब सोम में है, एक सहाबी ने 3 मील का जो सफर किया था उधर जाके रोजा अदा कर दिया, वो सब बन गए तो रोजा अफ्तार का जब करना जेद हो गया तो नमाज तो कम रोजे हो रहा हुई, तो मैं कहता हूँ कि 3 दिन भी अगर कोई दूर है तो मैं कसर करेगा ये है। और अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला को से भी साथ में लिया, उसन्ना बिन अबी शैबा भी अब्दुल्ला बिन उमर से भी साथ में लिया। क्या सिर्फ मुस्तफा अली हदीस ही जल्द जाएगा, बिल्कुल बाकी तो गुमराह फिर भी अली हदीस से मुराद वो है जो कुरान हदीस पर अमल करता है, ऐसा आदमी जो है वो जिदल भी हो चाहे उसको अपने आप को हफी कहता हो या शाफी कहता हो या मालिक कहता हो। एक आदमी था ना पेशावर में, उस फलस्तीन से शामी था अब कुरान था, मैंने मेरे साथ की बात होते था मैं हफी पक्का था नमाज के लिए खड़ा हुआ वो रफाइयत का भी बात, मैंने कहा भाई नमाज की बात कीजिए आप क्या कर रहे हैं ऐसे अंदर का सर अंदर का पूरा लगा ना हाथ जो अंदर उतना तो ये देख सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है अभी इस वादे में हूँ कि इमाम को लिखा ने कहा है सही हदीस मेरा मजहब है, तो सही हदीस से रवैये चाहते थे तो मैं रवैये पर अमल करूँ तो क्यों नहीं करता। तो आपने सलाउद्दीन यूसुफ हफ्ज अल्लाह फरमाते हैं कि इस तरह से आप सारे आले की सकते हैं, वो एक आले हदीस को जाए थे ना बोला ना वलाय तभी सादा कवाली और अनाय तभी सादा कवाली, तो वलायत अली साहब का वाली ने कहा था कि मैं अंधी हूँ मुनाजर में, कहा था कि इमाम हनीफा ने फरमाया सही हदीस मेरा मतलब है तो मैं रवैयन भी करता हूँ आमीन भी आता हूँ और सीने पर भी हाथ मांगता हूँ सूरह फातिहा पढ़ता हूँ सारे काम करता हूँ। तो आज तक जब अली कहते हैं कि वो वाली हदीस नहीं था वो अंधी था, तो आप सलाम दीन से हो तो ने फरमाया कि इस तरह के अंधी अब सारे सारे अली हदीस तरह के जकात का हिसाब सोने से होगा या चांदी से होगा, भाई ये मसला इत्यादि ये आज का फर्क हो गया। मेरे उस्ताद जो है अब्दुस्सलाम कुतुबी हफिज़हुल्लाह वो जो है उनकी ताकी ये है कि चांदी जो है ना उस को निसाब में दिया जाए, क्योंकि सोना जो बहुत महंगा हो गया और अगर सोने को निसाब में आता तो चांदी के पास 5 लाख का सोना भी दो में पर वो जकात किया जाता है। इस लिहाज से हमारा यही ख्याल है कि जो इस दौर में फर्क हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में फर्क नहीं, इस वजह से चांदी को निसाब लाया जाए। रुकू के बाद हाथ बांध पर सही दिशा में या नहीं, दोनों हाथ बांधना और छोड़ना दोनों सही दिशा में, दोनों तरफ काम तो लाइक है,
और असलाफ में भी दो तकी मुझे छे इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की किताब में जब सैयद बदीउद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह के पास पढ़ता था ना मेरे साथ के अल्लाह उनकी कब्र को दूर से बात दे तो उनके पास हम पढ़ते थे तो हमने मसाइल सारे कलीलु सादा को पढ़ते पढ़ते उसमें से निकाल लिया कि अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि दोनों तरह के थे आज बाने को भी ठीक है ना बाने को भी मेरा भी शेख उधर बोले कुछ भी शेख अमाली कहते थे ये भी तक है तो अब उन्होंने वो रात शुरू कर दिया देखो इमाम अहमद इमाम ही ऐसे होता है जैसे मेरी ताकत की हाथ से होना ज्यादा है उसकी दलील मुसन्नफ इब्न शिबा की बात है जिसमें आता है कि अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला ने हाथ छोड़ कर कहा इसको मैं मामू करता हूं रुकू के बाद रुकू के पहले बाद क्योंकि अब्दुल्लाह बिन जुबैर से ये साबित है सुन नबी दाऊद ने कि नमाज में हाथ बांधना सुन्नत है और ये हो नहीं सकता कि सहाबी एक बार को सुन्नत कहे और फिर उसकी मुहाबत करे इसलिए हम उसको मामूल करते हैं रुकू के बाद इसलिए अगर कोई आदमी आज का समय तो एक आदमी खड़ा हो गया है जो कहता है एंटरटेनमेंट के लिए हाथ छोड़ना भी जायज है तो ये उसकी गलती है ये सही नहीं बात अल्लाह अरहिको मक्तूम में ये वाक्या मौजूद है कि नबी के सलाम ने दाई रहमा का दूध पिया है कुरान और हदीस से दाई रहमा का नाम साबित किया गया जहां तक मुझे याद है उस मामू का इजमा है कि नबी सलाम ने रहमा का दूध पिया रहमा सादिया रजी अल्लाह अन्हु का तर्जुमा अली सहाबा में मौजूद है आपसे ये हजरत की जो किताब है और जितनी किताब है सहाबा में मौजूद है जिनके आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह ये कुरान में मिलेगा हदीस में मिलेगा इंशाल्लाह बाद में मानते हैं आदमी लेने वाली रवायत सही है ये गलत मुराद की ये होगी कि अगर नमाज हो रही है तो सबसे फेंकना जायज है इस बारे में सही हदीस को लेकिन वो हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं वो ताबी की अता बिन अबी रबा रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी आए और अली साहब की जगह लोग ने कहा लिखे हम ये करते हैं हदीस कि जिस मसले में कुरान हदीस में वाजे दलील मौजूद ना हो हम फिर सहाबा को देखते हैं ताबी को देखते हैं इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई खेचना चाहिए क्योंकि अकेले की बात नहीं होती अब खेचेगा कहाँ से आखिरी कोने से खेल आखिरी कोने से खेल कर उन्हें कोने में खड़ा हो जाए पीछे खड़ा होना जरूरी नहीं वो हदीस नहीं भी जिसमें अल्लाह वसद नहीं मांग तो अब इस तरह की अलग बनती कोने में खड़ा जाए फतह वाली हदीस में भी एक बात थी सारी हदीसों में अमल रखेगा अगर नहीं करना चाहता तो फिर अकेले पढ़ेगा जब इमाम सलाम कहेगा तो उसकी नमाज भी तुम्हारी पढ़े अल्लाह का क्योंकि लास्ट रात का लिफ आते खत्म सब में बनी रसूल कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक क्यों बनाया गया है क्या ये बुखारी के खिलाफ नहीं रोजा मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र जो है वो तो सहाबा ने बनाई है वो तो सही है वो का शरीक से साबित है कि नबी यहां तक तो बताया भाई उसकी कब्र बनती है ये शवाय तिर्मिजी में मुक्तबा है ताकि अल्लाह ताला सब साहब को इच्छा पड़े देगा इंशाल्लाह सुबह वो अच्छा सही है जी हाँ सही है ये शवाय तिर्मिजी में आखिर में ये लिखी हुई ये इसके रावी है सालिम बिन उबैर रजी अल्लाह तआला और बकर सदी फरमाते हैं एक तिर्मिजी वाला सही है लेकिन शवाय तिर्मिजी वाली हुआ है ना वो रवाय सही है सुनन इब्न माजा में भी वो भी सही है तो बाकी अगर सवाल करने वाले मतलब ये कि ऊपर गुंबद ऊपर है वो तो 707 बार बनाए तो को ये तो अरबों का मसला है तुर्कों का मसला ये हमारा मसला है ये अलीमा साहब के साथ को मुकर साबित है ये भी बयान करते हो आप साहब से बाद वो कहते हैं कि आज रात मुझे रसूल सल्लम की ख्वाब में ज्यारत हुई आज से फिर उन्होंने हरू को देखा लेकिन उनको हरू की कैसे पहचान हुई कुरान और इतना रश्मि की वजह से तो कोई वजह नहीं कर सकते जाहिर है कि जिसने देखा नहीं वो किस तरह कह सकता है कि अल्लाह के रसूल को उसने देखा है इसलिए हम ये कहते हैं कि जो आप कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल को देखा है तो वो अगर हदीस से सही और अकीदा है अहले सुन्नत है अहले सुन्नत ना जाने हदीस और वो यह सही बयान करता है तो बात भी शरीर के खिलाफ ही तो हो सकता है अगर एक आदमी से मैंने पूछा ना वो कहता मेरे अल्लाह रसूल को देखा ख्वाब में तो मेरे का हुआ मैंने कहा आपने तो सफेद काली दूर की दो मेरे वापस के पुराने दोस्त आज तक वो मेरी करीब नहीं आते से इतने लोग शुरू की बात है 25-30 साल की जो बंदी के एक तबलीगी जमात के खिलाफ था एक तबलीगी जमात का हो तो
तो तबलीगी जमात के हामिदा ने कहा कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। अल्लाह के रसूल हमारे तबलीगी जमात वाले सही है और इनको मजदूरी पर पकड़ लिया। दूसरा आदमी उसी मजलिस में दवा फिर खेल पर उन्होंने कहा मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है, आप हमारे तबलीगी जमात से बातचीत रखो, ये सही नहीं। और इसी तरह ये ख्वाब कोई नहीं, कोई सीख नहीं। हमारे गाँव का वाक्य है, एक मौलवी साहब उसके पास एक आदमी आके कहता है उस्ताद जी मैंने एक आदमी को ख्वाब में देखा है, बड़ा अच्छा एक आदमी था दाढ़ी वाला, उसकी दाढ़ी मुंडी है और चेहरा सारा काला है, काला लगी हुई से आई है, क्या तबीयत है? मौलवी साहब ने कहा कि तूने जिसको ख्वाब में देखा बोला हूँ। उसने कहा मौलवी साहब मैंने आपको क्या पीछे खांचे वाली हदीस है, पीछे खींचने वाली हदीस है, या तो सवाल करो भाई वो मरफू हदीस सही है, अता भी अपनी मजहबा वाली सही है, वो था इमाम मालिक के बेटा से भी उसने वाली सुनी है, पढ़ देखो ये हदीस वाले ने माशाल्लाह काफी वक्त हो गया। आखिर हम की हजार तकलीफ करते ही क्यों है, ये सवाल कुछ हो रहा है जरूरत पेश आई उनके पास उसका क्या जवाब है? वाकया होगा होगा या ना होगा के बारे में उदास भाई क्या वाकई ये यजीद ने वाकया करबला के पास मदीना मुनव्वरा लश्कर कशी की थी, क्या उसने 3 दिन के लिए अपनी फौज को वहां डाल दिया था? ये एक तो अरबी हजार तकलीफ क्यों करते हैं, इसका जवाब कुछ पूछा चाहिए ना। दूसरा यह कि वाकया हरा जो है ये बहुत बड़े साबित है, ये साबित नहीं है कि यजीद ने ये किया था, उसने ये हुक्म दिया था कि मदीने पर फौज कशी करो, अगर यजीद की चूंकि दौर में ये वाक्य हुआ है तो अब जाहिर है कि इस वाक्य की वजह से कुछ ना कुछ जो है मुहदिसीन उस पर जरा करते रहे। मुहदिसीन के नजदीक यजीद जो है एक सही था, इमाम अहमद बिन हंबल ने भी जरा की है, हाफिज इब्न हजर ने भी, इंसाफ भी ने भी, हम जो है यजीद के मामले के बारे में सबूत करते हैं, उसका मामला अल्लाह के सपोर्ट करते हैं, तमाम सहाबा से मोहब्बत रखते हैं, मुहद्दिसीन के नाम से प्यार करते हैं, अल्लाह से दुआ है अगर हम मिलकर सवाल बोले अच्छी खजाब की वजाहत हमारे बस पर क्या है? सैयदना सिया खजाब के जाबिर रजी अल्लाह तआला उसे सिया खजाब कोई साबित नहीं झूठ ही, और खजाब कहते हैं काला रंग लगाना, काला रंग लगाना हमारी ताकीद में जायज नहीं। एक आदमी ने मजबूर लिखा इसके जवाब पर, मैंने खुद मेरे सबूत लिखा सही मुस्लिम की हदीस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के वालिद को लाया गया ना, अबू कुफा को, उनकी दाढ़ी भी सफेद थी, सर भी सफेद था, तो आपने फरमाया भाई ये पेशे इसको बालों को बदला दो यानी को मेहंदी लगाओ, वजह ने वो सवाद और काला रंग ना लगा लो उसके करीब भी ना जाना, जन्नत को कर पा। दूसरी हदीस सुनो नबी दाऊद में जिसमें आता है ला यूरी कूद राहत जन्नत, काला खजाब लगाएंगे जन्नत की खुशबू भी सुन, कुछ साथियों से काला खजाब लगाना साबित है। अब इसकी क्या तारीफ है? वाजे बात है कि भाई नबी सल्लम की हदीस से बना साबा तक हदीस नहीं पहुंची होगी, ये तो कोई मसला नहीं कि हर साबित तक हर हदीस पहुंचे, ये कोई मसला नहीं। आजकल इस दौर में जब इल्म इतना ज्यादा हो गया है तो हर आलम के पास हर हदीस का इल्म नहीं होता, उसी तरह नबी सल्लम की असाबा का जो दौर उस जमाने में तो किताबें भी तरह लिखी हुई थी, उन तक हदीस नहीं पहुंची हुई। जिस तरह एक साहबी जो है वो मेरा ख्याल नहीं था तो हर इजादी खताएं जो मौजूद है इस वजह से जुबानी सवाल की इजाजत नहीं चाहिए वरना आप हमको बोल सकते हो बात नहीं ठीक है। अल्लाह सुना कर दे अल्लाह रोटी का जल्दी और आप लोग सारे उसकी मसाले का तमाम के बारे में नमाज़ करवाए बाप को बोले नहीं तो बात नहीं।